मॉर्निंग फ्रेंड्स जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है जी हाँ फ्रेंड्स जीएसटी के अंदर जो टैक्स इनवॉइसस बनाई जाती हैं उसको रिवाइज करने का क्या प्रोविजन है क्या अगर हमारे पास कोई टैक्स इनवॉइस गलत हो जाता है तो उसे रेक्टिफाई करके रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है वो बना सकते हैं या नहीं काफी लोग इस चीज को लेकर के कंफ्यूज हैं और प्रैक्टिकली देखा भी जाता है कि रिवाइज टैक्स इनवाइस जो है वो ऊपर मेंशन करके लिख दिया जाता है क्या ये प्रोसेस सही है एज पर लॉ क्या है ये रिवाइज टैक्स इनवाइस तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी सेक्शन थर्टी के अंदर जो रिवाइज टैक्स इन्वॉइस की बात करी गई है वो अच्छे से समझ में आ जाए यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन थर्टी वन का जो बात करता है टैक्स इनवॉइस इसके अंदर हमारे पास है सब सेक्शन थ्री सब सेक्शन थ्री ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन वन एंड सब सेक्शन टू और जो सेक्शन थर्टी वन का सबसेक्शन वन है वो बात करता है नॉर्मल टैक्स इनवॉइस की जो आपको सप्लाई करने से पहले या सप्लाई करने टाइम आपको इशू करना है और जो हमारा सबसेक्शन टू है वो बात करता है टैक्स इनवॉइस जो आपको इशू करना है फॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस फॉर द परपज ऑफ प्रोविजन और सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करता है लेकिन जो हमारा सेक्शन थर्टी वन थ्री है डील करता है जिसके अंदर पहला क्लॉज ये कहता है अरेजिस्टर्ड पर्सन में विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इन सच मैनर और ये मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है रूल फिफ्टी थ्री में जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एज मे बी इशू अ अब यहां पर जो ये रिवाइज इनवॉइस इशू करने की बात है सेक्शन थर्टी वन सेक्शन थ्री क्लॉज ए के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ इसी सिचुएशन में आपको करनी है जब आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन जो है उस दोनों पीरियड में कुछ टाइम गैप रह जाता है इसके अलावे आप और किसी सिचुएशन में एज पर सेक्शन थर्टी वन सबसेक्शन थ्री रिवाइज इनवॉइस इशू नहीं कर सकते अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड बिगनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अब यहां जो ये चीज कही जा रही है इसका मतलब क्या है क्योंकि आप इस चीज को समझिएगा अभी प्रैक्टिकली करते क्या है लोग आपने एक टैक्स इन्वॉइस इशू किया उस टैक्स इन्वॉइस के अंदर आपने इन्वॉइस नंबर डाला आपने उसमें जीएसटी नंबर डाला आपने उसमें टैक्सेबल वैल्यू डाला आपने उसमें टैक्स के कंपोनेंट डाले इसमें आपको पता लगा कि कोई गलती हो गई है और आप उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करते हैं आप उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हैं जो सरासर गलत स्टेप है आपको इस सिचुएशन में रिवाइज टैक्स इनवॉइस का इशूएनस नहीं करना है या तो आप इस टैक्स इनवॉइस को कैंसिल करके फ्रेश टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे या क्रेडिट नोट डेबिट नोट से आप अपना एडजस्टमेंट्स जो है वो कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यूज में डिफरेंस है टैक्स रेट में डिफरेंस है डेफिशिएंसीज वगैरह है तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस सिर्फ और सिर्फ सेक्शन थर्टी वन सब सेक्शन थ्री क्लॉज ए के अंदर जो सिचुएशन दी गई है उसमें आपको इश्यू करना होता है कई लोग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को एज रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो है वो डिपेक्ट करते हैं ये भी गलत है रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रूल जरूर एक है रूल 53। लेकिन दोनों के लिए सब रूल अलग अलग दिए गए हैं सब रूल वन बात करता है टैक्स इनवॉइस की जबकि रूल 53 का सब रूल 1 ए बात करता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट के इश्यूएंस के प्रोसेस की तो यहां पर इस गलती को बिल्कुल भी ना करें अब आते हैं कि सेक्शन 31 वन ए बात किस चीज की कर रहा है मान लेते हैं आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए एक फरवरी 2023 को और एज पर जीएसटी लॉ आप जिस दिन लाइबल हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आप बन जाते हैं टैक्सेबल पर्सन और जैसे ही आप टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं आपको टैक्स कलेक्ट करके जमा करने की लाइबिलिटी बन जाती है आपने एक फरवरी को लाइबिलिटी जैसे ही अराइज हुई आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया आरजी जीरो वन में लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन आया लेट सपोज मार्च 2023 को आफ्टर ऑल द वेरिफिकेशन प्रोसेस तो एक फरवरी से लेकर एक मार्च के बीच में जो आपने सप्लाई करी होंगी उसके लिए आप जीएसटी के अंदर टैक्स इनवॉइस इश्यू इशू नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए आपका रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है लेकिन चूंकि आप टैक्सेबल पर्सन हो गए हैं एक फरवरी को तो आपको एक फरवरी से लाइबिलिटी भी अब यहां पर जमा करनी है तो यहां बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जा रही है लाइबिलिटी जमा भी करना है एक फरवरी से नंबर हमें मिल रहा है एक मार्च को और कहा यह जा रहा है कि टैक्स इनवॉइस जो है वो आप आफ्टर रजिस्ट्रेशन यानी कि एक मार्च के बाद ही इशू कर सकते हैं तो ये जो इस पीरियड में एक फरवरी से लेकर के एक मार्च के बीच में जो माल का सप्लाई होगा उसका क्या करेंगे इसके लिए जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं आता है आप नॉर्मल यानी कि कमर्शियल इनवॉइस इशू करेंगे और उस कमर्शियल इनवॉइस को इशू करते समय अगर आपका पार्टी रजिस्टर्ड है तो उसे ये बोल दीजिएगा कि भैया इस पीरियड के जो ये कमर्शियल इन्वॉइस हैं, इस पे अभी हम आपसे जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है जब हमारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो हम आपको इस कमर्शियल इनवॉइस के बदले रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस देंगे इस पीरियड के लिए और उस पे आपसे हम जीएसटी चार्ज करेंगे जिसका आप आईटीसी जो है वो क्लेम भी कर सकते हैं और अगर आपका पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो उससे भी ये कह देना होगा आपको कि भैया ये जो सप्लाई हम कर रहे हैं अभी तो हम आपसे जीएसटी नहीं ले रहे लेकिन जब रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो जिस दिन हम रजिस्टर्ड के लिए लाइबल हो गए थे उस दिन से लेके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का आपको हम टैक्स देंगे जिस पे हम आपसे जीएसटी भी चार्ज करेंगे अगर आपको लगता है ठीक तो आप मान लीजिए अदरवाइज कोई बात नहीं है तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इस पीरियड में बेचे गए माल के लिए सर्विसेस के लिए आपको कमर्शियल इनवॉइस के सामने जो है वो इश्यू करना पड़ता है एज पर रूल 53 जिसमें यहां पर डिटेल्स मेंशन किए गए हैं कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या चीजें आपको देनी टैक्स रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी टैक्स में कोई गलती हो गई तो कर लेंगे ये सारी हम लोग अपनी, की जो आपको किस तरीके से फॉलो करनी है एज पर दोवीजन अगर आपको जीएसटी का ये फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जो भी चेंजेस जीएसटी और इनकम टैक्स में मंथली बेसिस पे आती हैं उसके लिए आप हमारी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं अब अगर आप देखेंगे रूल 53 तो रूल 53 कुछ इस तरीके से ड्राफ्टेड है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है रिवाइज टैक्स इन और क्रेडिट नोट डेबिट नोट के प्रोसेस में रूल 53 बात करता है रिवाइज टैक्स इन एंड क्रेडिट और डेबिट नोट्स यानी कि दोनों ही डॉक्यूमेंट्स आपको रूल 53 के थ्रू गवर्न किए गए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिवाइज टैक्स इज इक्वल टू क्रेडिट और डेबिट नोट्स बिल्कुल भी नहीं अगर आपके टैली में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है कि रिवाइज्ड टैक्स इन्वॉइस जो है वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को दिखला रहा है तो आप उसे आज के आज चेंज करा लीजिए उनको बोलिए भैया ये चीज गलत है ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहां पर रूल 53 का सब रूल वन बात करता है टैक्स की और वन ए बात करता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की तो ये छोटी छोटी चीजें आगे चल के आपको परेशान करेंगी इसीलिए इन चीजों को आप ध्यान से रेक्टिफाई कर लीजिए और अकॉर्डिंगली अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तैयार कर लीजिए चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस जो है वो कब और किस सिचुएशन में किन लोगों को इशू करना पड़ता है अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से आपको हमारा चैनल मिलेगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है आप उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर पीडीएफ अपडेट्स अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे